तो बेसिकली मैं अब यहाँ ये जो फाइल लेके आया था ना, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है. हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं इसके अंदर. मैटलैब के अंदर सिग्नल प्रोसेसिंग जो है ना, ये एक तरह का काम है. सिग्नल प्रोसेसिंग किया गया, जो वेरिएशन इमेज प्रोसेसिंग है. कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं. देन हम लोग स्पेसिफिक जो इस्तेमाल है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल इमेज एनालिसिस जो है ना, वो मेडिकल इमेजिंग में बहुत सारा इस्तेमाल होता है, ट्यूमर डिटेक्शन के लिए, या इवन जो हमारे जो सैटेलाइट सिस्टम होते हैं, या इवन फाइटर पायलट्स होते हैं, या मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, वो भी जो है ना वो इमेज एनालिसिस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए, उसको डिस्टेंस फॉलो करने के लिए. तो इमेज एनालिसिस के बहुत सारी एग्जांपल, बहुत सारी एप्लीकेशन है. वैसे तो ये जो ट्यूटोरियल है इसलिए बनाया कि आप मैटलैब इसको इस्तेमाल कर सकें, लेकिन हम लोग इसको ऑक्टेव में करेंगे इस्तेमाल. आप अगर ऑक्टेव की वेबसाइट खोल लें, आप octave.forge के नाम से आते हैं. अभी ये आपको नजर आ रहा है, मेरा जो ब्राउज खोला है मैंने, कि वही नजर आ रहा है, मैटलैब भी नजर आ रहा है. ये तो कुछ और ही खुल गया ऑक्टा. ये मुझे इसलिए पसंद नहीं है, ये देखो अभी ये वेबसाइट ही नहीं खोल रहा. यूनिवर्सिटी का नेटवर्क जो है ना वो सही नहीं है. बहरहाल ये फॉर एग्जाम्पल सबसे इसने जो चीज़, ये जो इस पर लिखा हुआ है ना ट्यूटोरियल में, मैं इसको वन बाई वन लेके चलता हूँ. तो इसकी जो सबसे बुनियादी चीज़ है ना, वो इसकी इंटरफेस होती है. अब मुझे बार बार ना इसमें से चेंज करना पड़ना, कभी उसकी शक्ल खोलनी पड़नी, कभी उसकी शक्ल खोलनी पड़नी. मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग अपने पास ना खोल लें, अगर इसको ट्यूटोरियल अपने पास खोल लें, मैं यहाँ से ना इसके अंदर बताता जाऊँगा आपको. तो इसमें आप सबसे पहले देखें तो ये ऊपर इसका होता है फाइल ब्राउज़र. आपका ना करंट आपका एक फोल्डर होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ, मैंने ये लिनक्स में खोला हुआ है, तो लिनक्स में ये मेरी होम डायरेक्टरी के अंदर DRMUJ की जो फोल्डर है ना, उसमें इसका फोकस है इस वक्त. जो कुछ यहाँ पर होगा मैं यहाँ से रन कर सकता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आमतौर पर डेस्कटॉप पर मैंने इसकी फाइलें रखी हुई हैं. अगर डेस्कटॉप पर जाऊँगा तो ये वाली डेस्कटॉप पर फाइल्स पड़ी हुई जिनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ. इसमें भी ये ऑक्टेव फोल्डर का नाम का फोल्डर बनाया हुआ है, जिसमें मैंने अपने जो है ना वो इमेजेस वगैरह रखता हूँ. तो इस तरह से मैं अपनी डायरेक्टरीज जो है ना वो जो खोल लेता हूँ, जो मेरी करंट डायरेक्टरी होती है ना, वो यहाँ पर उसका नाम आ रहा है. फॉर एग्जांपल होम डेस्कटॉप ऑक्टेव डॉक्स. अब इस डायरेक्टरी में से जो भी मैं इसको कमांड एग्जीक्यूट करूँगा, वो अगर इस डायरेक्टरी में होगी तो फिर मेरा जो कमांड है ना वो वैलिड होगी. तो जब भी आप काम करते हैं, ऑक्टेव में काम करें या मैटलैब में काम करें, आपकी ये करंट डायरेक्टरी होती है. तो यहाँ पर इस वक्त करंट डायरेक्टरी हम लोगों ने यहाँ इस फोल्डर में ले गए. वैसे ये PWD के नाम से अगर आप कमांड लिखते हैं ना, आपके इसके इंटरफेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपकी ये कमांड की विंडो होती है, ठीक है. यहाँ पर एक एडिटर हो सकता है, ये ठीक है, एक एडिटर हो सकता है. ये एडिटर जो है ना आपका कोड एडिट करने के लिए, टेक्स्ट फाइल एडिट करने का प्रोग्राम है. डॉक्यूमेंटेशन हेल्प का एक प्रोग्राम होता है. इसके अंदर बहुत सारी सब विंडोज़ हैं. तो सब विंडोज़ जो है ना वो आपके मुख्तलिफ काम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं. तो जनरली ये जो कमांड विंडो है ना, ये हेल्प विंडो, इसको मैंने इकट्ठा किया होता है, और एडिटर को मैंने इकट्ठा किया, तो कमांड विंडो यहाँ मेरी चल रही है. तो अगर ये कमांड में जो भी आप यहाँ कोई लिखते हैं ना, जैसे डॉस के ऊपर लिखते हैं आप, कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, तो वो एक कमांड के तौर पर जब एंटर करें तो वो लिखते हैं उसको, इसको एज कमांड का सेंटेक्स लेता है. तो PWD एक कमांड है जो बताती है कि करंट आपकी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है. प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी PWD, हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ये वाली है.
जो भी हम कमांड लिखेंगे वो अगर यहाँ पर वो फाइल्स पड़ी होंगी तो उसके मुताबिक एग्जीक्यूट होगा। तो उसके अलावा ये आपकी कमांड विंडो है, ये लिखा हुआ ऊपर एक कमांड विंडो लिखा भी हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो हम इसको यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं। ये ऊपर आपका एडिटर है, इसके अलावा वेरिएबल एडिटर होता है, कोई वेरिएबल आप खोलते हैं, फॉर एग्जांपल इसको खोलते हैं आप, तो ये वेरिएबल किस तरह का है, इस वेरिएबल का नाम यहाँ लिखा हुआ, ये देखो आ गया, तो वेरिएबल एडिटर है। डॉक्यूमेंटेशन है, आप मुख्तलिफ जो कमांड्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो ये आपकी हेल्प फाइल की तरह खुल जाती है यहाँ पर। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पार्ट इसका, ये वर्क स्पेस होता है। जो भी आप काम करते हैं ना, ऐसा समझ लें आपके कैलकुलेटर के दिमाग में जो इस वक्त वेरिएबल्स हैं ना, वो वेरिएबल्स या जो वैल्यूज़ हैं वो ये वर्क स्पेस में नज़र आती हैं आपको। इस वक्त हम लोगों ने ये कमांड एग्जीक्यूट की थी PWD की, तो PWD ने हमें ये नाम भेजा है कि हमारी डायरेक्टरी का नाम ये है जहाँ हम काम कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टरी एज आंसर के तौर पर एज ए करेक्टर स्ट्रिंग स्टोर हो गई है, जिसका ये नाम नज़र आ रहा है। ये आंसर एक हमारा वेरिएबल है, ये टाइप इसकी जो है ये करेक्टर टाइप है, इसके अंदर 30 करेक्टर हैं, और ये इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर वेरिएबल एडिटर के अंदर नज़र आ रहा है। तो ये मुख्तलिफ तरह के कंपोनेंट्स हैं। सबसे राइट पे आपको नज़र आ रहा है ये कमांड हिस्ट्री है। अभी तक जितनी कमांड्स मैंने पिछले सेशंस में भी एग्जीक्यूट की थी ना, वो सारी कमांड वन बाई वन यहाँ नज़र आ रही है। सबसे नीचे अगर आप देखें तो हमने जो सबसे लास्ट में कमांड एग्जीक्यूट की है वो PWD है, या राइट साइड पर नीचे नज़र आ रही है। तो ये सारा इसका इंटरफेस है। तो मेरा ख्याल है कि ये मैंने मुतारिफ करवाया आपको कि भी कहाँ से क्या चीज़ होती है। तो कमांड विंडो के अंदर आप कैलकुलेटर की तरह कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हो। मसलन अगर आप 2 + 3 लिखते हो तो ये उसको 6 जवाब दे देता है उसका, ठीक है। तो जैसे हम लोग आम तौर पर कैलकुलेटर पर लिखते हैं तो वैसे हम लोग यहाँ पर कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं। मसलन 5 + 9 कितना होगा, ये एंटर करते हैं तो हमें 5 + 9 लिखा है, एंटर किया हम लोगों ने तो उसने 14 आंसर दे दिया है। तो कोई भी आप चीज़ लिख सकते हैं, आप पैरेंथेसिस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन 9 ضرب 4 ÷ 2 क्या होगा, ठीक है, तो ये 144 होगा। तो आप इसको कैलकुलेटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ना इसमें जो भी आप लिखते हैं वैल्यूज़, ये देखें हमारा यहाँ जो पहले आंस पहले वो CHAR 4 आ रहा था वो डबल आ रहा है, और इस डबल के अंदर 144 लिखा हुआ है, इसलिए कि करंटली हमारा जो हमने एग्जीक्यूट की थी कमांड उसने ये 144 हमारे इसके आंसर के अंदर लिख दिया है। तो जो भी चीज़ हम लोग करते हैं वो यहाँ आरजी तौर पर ANS में सेव हो जाती है। और जैसे जैसे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अगर आप राइट साइड पर देखें ये मेरे कमांड हिस्ट्री के अंदर जो जो मैं एंटर करने के बाद एक सेंटेक्स पे कोई भी सेंटेक्स पे कोई चीज़ एग्जीक्यूट करता हूँ ना, तो वो यहाँ पर ये देखें एग्जीक्यूट नाम के यहाँ से सेव हो रही है, यहाँ पर नाम से यहाँ एग्जीक्यूशन सेव हो रही है उसकी। तो उसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं, मसलन 2πr लिखना है आपने, 2πr आर लेट्स सपोज हमारे पास, हम कहते हैं आर हमारे पास, आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, उसमें मैं कहता हूँ आर मेरे पास 50 है, ठीक है। तो ये इक्वल होता है ना साइन, जब आप इक्वल लिखते हैं तो इक्वल को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ये एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है जिसे कहते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल जो होता है ना वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो आर इक्वल 50 लिखेंगे, इसका मतलब है जो 50 की वैल्यू है ना वो आर के नाम के वैक्टर के अंदर डाल दो। अब देखो यहाँ पर अगर आप यहाँ मैंने जब ये एग्जीक्यूट किया है ना इसको, तो आप यहाँ देखें यहाँ वर्क स्पेस के अंदर हमारे पास आर के नाम का एक वेरिएबल आ गया है, और इसकी टाइप जो है इसकी क्लास जो है वो डबल है, और इसमें एक वैल्यू है इसके अंदर, ये मैट्रिसेस 1 × 1 का मैट्रिसेस है ये, और इसकी वैल्यू 50 है। अगर मैं यहाँ 2πr लिखता हूँ, अब 2 × π × r लिखता हूँ मैं, तो ये उसको इस एक्सप्रेशन को 2πr के एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कर देगा, और 31416 जो है ना इसने इसकी वैल्यू को आरजी तौर पर ANS के वेरिएबल ने महफूज कर दिया इसने, ठीक है। तो हम लोग मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ यहाँ पर कि हम लोग कमांड को
कमांड विंडो जो है ना उसको बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई भी कंपरेशन करवा सकते हैं हम इससे। तो कोई हम इलीगल भी काम इससे कर सकते हैं, मसलन अगर हम लोग 7 को 0 से तकसीम करें तो क्या आंसर आएगा? सात को जीरो से तकसीम करेंगे तो क्या आंसर आएगा? अनडिफाइंड होकर। हाँ वो अनलिमिटेड ना, वो कोई आंसर नहीं आएगा, तो इनफिनिटी आंसर आया, INF लिख दिया उसने, डिवीजन बाय जीरो। ठीक है, तो ये हर दो नंबरों के दरमियान में जो मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ ना, इन्हें कहते हैं आप लोग ऑपरेटर्स। ठीक है, मसलन पावर का ऑपरेटर जो है ना, ये रेज टू पावर का बटन, ये कैप कहते हैं इसे, इस कैरेक्टर का नाम है कैप और इसको रेज पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये जो स्लैश है ना, ये डिवाइड राइट साइड, डिवाइड बाय राइट साइड, अगर मैं इसको ऐसे डालने की बजाय इसको मैं ऐसे डाल देता हूँ ना, लेफ्ट साइड पे डाल देता हूँ, अब इसका मतलब होगा कि 0/7, तो इसका आंसर 0 आएगा। तो मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर, ऑपरेटर्स जो मैंशन किए हुए हैं, मैं अगर आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन चेंज करूँ अपनी, इस तो ये देखें यहाँ पर बहुत सारी तरह के ऑपरेटर्स हैं। प्लस का निशान जो है ना वो प्लस करने के लिए होता है, और उसके अलावा ये एडिशन का ऑपरेटर भी है, यानी कि दो मैट्रिसेस को, दो स्ट्रिंग्स को या किसी भी दो लॉजिकल चीज़ों को आपने ऐड करना है तो एडिशन का ऑपरेशन जो है ना वो भी करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से माइनस का साइन है और सब्ट्रैक्शन के प्रोसीजर के लिए भी इस्तेमाल होगा। ये मल्टीप्लाई के लिए आप लोग स्टेरिक इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों ने फर्दन हर एक मेंबर जो एक मैट्रिक्स का है उसको दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आप डॉट साथ ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई के साथ डॉट का निशान ऐड कर दें, तो ये मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, लेकिन अरे मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि मेम्बर टू मेम्बर मल्टीप्लीकेशन है। इसी तरह से ये कैप का साइन जो है ये एक्सपोनेंट का साइन है, एक दूसरे का एक्सपोनेंट होगा। डॉट कैप का मतलब है अरे है, ये लेफ्ट डिवाइड है, ये राइट डिवाइड है, ये अरे लेफ्ट डिवाइड है, ये राइट डिवाइड है। कोलन का साइन जो होता है ना, वो आमतौर पर हम लोग लॉन्गर नंबर अरेज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर अभी स्क्रीन नजर आ रही है मेरी, ये वाली, ये जो मैटलैब वाली, ऑक्टेव नहीं सर अभी नहीं आई, ऑक्टेव अब आ रही। ठीक है, तो अब देखें मसलन मैं लिखता हूँ ना 3-5, तो क्या होगा कि ये एक अरे बनाएगा, ये नंबरों की एक सीरीज बनाएगा, 3 से लेके स्टार्ट करेगा और 5 तक जाएगा, हर दफा एक नंबर बढ़ाएगा, 3, 4, 5 इसने नंबर खुद ही बना दिया। 3-5 लिखा है मैंने, मैं 3-10 लिखता हूँ तो 3 से लेकर 10 तक इसने खुद ही नंबर जो है ना वो सीरीज में ले लिए। ठीक है, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट बताते हैं आप, तो एक एक के डिफरेंस ये ले सकते हैं। अगर मैं लिखूँ 3, 0.5 और फिर मैं लिखूँ 10, तो अब ये हर दफा 0.5 का डिफरेंस डाल लेगा। ठीक है, तो ये कोलन ऑपरेटर होता है ना, ये बेसिकली नंबर अरे बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कोलन ऑपरेटर जो होता है ना, ये नंबर अरे बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसके अलावा इसका कोलन का इस्तेमाल एंड का मतलब एंड भी है, एंड ऑफ और या इंटायर, इसका मतलब ये भी है कि इंटायर सब कुछ, इसका मतलब सब कुछ भी है। मसलन अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं, मैं एक बनाता हूं, मैट्रिक्स बनाता हूं, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाने के लिए हम लोग कोई एक वेरिएबल लेते हैं, बी मेरी एक मैट्रिक्स है और उसमें मैंने 1 से लेकर 3 तक पहली वाली रो में और 4 से लेकर 6 तक दूसरी वाली रो में मेंबर्स डालने हैं। ठीक है, क्या हुआ ये सही ऐड नहीं हुआ, बी इज इक्वल टू 1-3 and 4-6,
तो अब ये देखें, मैंने एक बी मैट्रिक्स बनाई है जिसमें के मेंबर हैं 1, 2, 3 पहली रो में और 4, 5, 6 दूसरी रो में। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे दूसरी रो वाले सारे मेंबर शो करो, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि बी का मुझे शो करो सेकंड रो के तमाम एलिमेंट्स, ऐसे लिखूंगा। तो ये कोलन ऑपरेटर जो आया ना, ये कोलन ऑपरेटर आया, इसका मतलब है तमाम, ऑल ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। तो कोलन का एक इस्तेमाल मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया था कि ये सीरीज बनाने के लिए, और एक इस्तेमाल बता रहा हूँ मैं कि ये किसी जगह पर तमाम मेंबर्स को शो करने के लिए हम लोग कोलन कहते हैं। तो ये जो 2,1 है, 2,2 है, 2,3 है, ये इसके कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स हैं। ये कोई भी मैट्रिसेस होती है ना, उसके मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए रोज और कॉलम होते हैं। मसलन ये जो आपने मैट्रिक्स लिखी है यहाँ पर ऊपर, बी जो लिखी है हम लोगों ने, तो बी के आपके पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। तो ये 3 वैल्यू जो है कौन से कॉलम में आएगी बी मैट्रिक्स के? थर्ड कॉलम है और फर्स्ट रो है। अगर मैंने इसको एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा बी कॉलम रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3। तो अब मैं लिखूंगा तो 3, सॉरी ये तमाम वैल्यूज आ गई हैं। मैंने लिखना था बी कॉमा डालना था, गलती से मैंने वो डाल दिए, 1,3 लिखना था मैंने, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये पहले रो की तीसरी वैल्यू, तीसरे कॉलम वाली वैल्यू बताएगा, तो 3 नंबर वैल्यू उसने बताई है। अगर यही मैं 2 और 2 कर देता हूँ तो क्या होगा, ये दूसरे रो की दूसरी वैल्यू बताएगा मुझे जो कि 5 है, ठीक है। तो लेकिन अगर मैंने जब यहाँ ये जब मैंने यहाँ 2, ये कॉलन किया था, तो इसका मतलब क्या बना था, 2 कॉलन का मतलब क्या बना था? इसका मतलब बना था कि बी की सेकंड रो के तमाम कॉलम्स, तमाम एलिमेंट्स, ठीक है, उसको उसके तमाम एलिमेंट। तो अगर ये तो तमाम एलिमेंट हमारे 4, 5, 6 थे, तो ये 4, 5, 6 हमारे पास उसका आउटपुट आ गया। तो इस तरह से और भी है इसके अंदर, मसलन मैं वापस जाता हूँ वहाँ पे, तो आप देखें इसके अलावा ब्रैकेट ऑपरेटर हम लोग मैट्रिसेस को डिफाइन करने के लिए करते हैं, और इसके अलावा अरे एलिमेंट्स जो है ना उनको इनक्लोज करने के लिए भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल पैरेंथेसिस जो है ना वो हम लोग आमतौर पर सिंटैक्स बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या जब क्लास ओवरराइड करना हो ना जब, तो उस वक्त करते हैं। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको इसकी समझ नहीं आएगी प्रेसिडेंस ओवरराइड क्या कर मतलब क्या होता है। उसके अलावा फंक्शन के आर्गुमेंट देने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डॉट का मतलब जैसे सबको पता है डेसिमल ऑपरेटर है, ट्रिपल डॉट लगाए ना तो हम लोग एक लाइन को कंटिन्यू करना हो बाज़ दफ़ा तो उसकी ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर इस तरह से अगर मैं जब कोड लिख रहा हूँगा ना, ये एडिटर ये तो मेरा है ना आपके पास, मैं कहता हूँ भाई कि तुम मुझे बी कॉलम का पहली वैल्यू दिखाओ और मैंने नेक्स्ट लाइन में जाना है। अब देखें जब मैंने 3 नुक्ते डाल दिए ना, अब मैंने नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा, लेकिन अभी मेरी कमांड जो है ना वो उसकी बताना, मेरा बताने का अमल कि मैं मैटलैब को बताऊं कि भी मैंने क्या कमांड देना चाह रहा हूँ, वो पूरी नहीं हुई। 3 डॉट का मतलब है कि अभी मेरी सेंटेक्स जो है ना वो कंटिन्यू हुआ है, लाइन टर्मिनेट हो गई है लेकिन सेंटेक्स कंटिन्यूस है। तो मैं कहता हूँ कि बी का प्लस, मैं आगे इसे कह रहता हूँ प्लस बी की जो है ना वो दूसरे कॉलम की तीसरी वैल्यू जो है ना, दूसरे रो की तीसरी वैल्यू है ना, वो भी मुझे इस पर जमा कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, इस 7 आंसर आ गया। थोड़ा इसको बड़ा कर दूं, मेरा ख्याल आपको शायद नजर काम आ रहा है। यहां से मैं एडिट कमांड का टेक्स्ट है वो बड़ा कर सकता हूं, मैं इसको 20 कर देता हूं। ये नजर आ रहा है अभी आपको क्या हुआ यहां पर? ये सर ये फर्स्ट, ये देखिए ये हुआ है, ये 3 डॉट डाले थे ना, 3 डॉट डालने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया था, दूसरी लाइन में चला गया था मेरा कर्सर,
दूसरी लाइन में जाने के बाद मैंने लिखा है कि एक और एलिमेंट के बारे में लिखा है, ये एलिमेंट सेकंड रो का जो थर्ड एलिमेंट है वो 6 है हमारे पास, ठीक है, और फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है ना वो हमारे पास क्या था भला, वो 1 था, तो मैंने इसके दरमियान में ये प्लस का निशान लगा दिया, असल में ये दोनों एलिमेंट जमा हो गए हैं, लेकिन मेरे इस जमा होने के कमांड का पहला हिस्सा पहली लाइन में है और दूसरा हिस्सा दूसरी लाइन में है, तो ये जो ट्रिपल डॉट है ना ये क्या कर रहे हैं, हमारी लाइन को तो टर्मिनेट कर दी है लेकिन कमांड टर्मिनेट नहीं हुई, कमांड ये दोनों ऐसे ही जैसे एक लाइन पे लिखे हों, अगर मैं इसको एक लाइन पे लिखूं ना इस तरह से बी वन, नजर आ रहा है आपको मैं जो टाइप कर रहा हूँ, यस सर, प्लस बी टू कोमा थ्री लिखता हूँ, अब ये ऐसी है जैसे मैंने एक लाइन में जैसे ये लिखा है ना, ये ऐसी है जैसे मैंने यहाँ पर भी एक ही लाइन में लिखा है, ये ट्रिपल डॉट कोई फर्क नहीं डाल रहे सिवाय इसके के कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन में चलाएगा, लेकिन ये दोनों एक ही कमांड का हिस्सा है, ठीक है, ट्रिपल डॉट का मतलब क्या हुआ फिर यहाँ पर कि ये लाइन टर्मिनेट करता है लेकिन ये हमारी जो एग्जीक्यूशन है उसे टर्मिनेट नहीं करता, हमारे जो है ना एक ही दोनों लाइन दोनों जगह को एक ही लाइन समझता है, ट्रिपल डॉट बाज दफा हम लोग जब टेक्स्ट एडिटर लिख रहे होते हैं ना तो हमारा हमारा सिंटेक्स बहुत लंबा हो जाता है, हम चाहते हैं कि वो आगे ना जाए फो ताकि वो हमारी स्क्रीन के अंदर ही रहे, तो फिर हम लोग ये ट्रिपल डॉट इस्तेमाल करते हैं, तो वापस मैं जाता हूँ उधर ही, तो मैं आपको यहाँ इंट्रोडक्शन दे रहा था कि कौन कौन से हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, तो ट्रिपल डॉट ऑपरेटर का मैंने भी बताया आपको, कोमा जो होता है ना आमतौर पर वो सेपरेट करने वैल्यू सेपरेट करने के लिए होता है, ठीक है, इसी तरह स्टेटमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए होता है, और रोज को सेपरेट करने के लिए होता है, सेकंड रो थर्ड रो जो है ना, नहीं एक ही रो के एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए होता है, मतलब 2, 3 लिखूंगा ना तो उसका मतलब होगा कि 2 जो है ना वो कॉलम फर्स्ट में है और 3 जो है कॉलम अगले वाले कॉलम में है, तो कोमा जो है ना वो कॉलम सेपरेटर है, सेमी कॉलन जो है ना वो एक आउटपुट सप्रेसर है, सेमी कॉलन का क्या काम होता है, आउटपुट सप्रेस करना, ये देखें मसलन मैं अगर ये जो ऊपर कमांड लिखी थी ना बेटा, अगर मैं इसमें मैं ये सेमी कॉलन डाल देता हूँ ना तो आप देखें इसने आंसर का जवाब नहीं बताया मुझे, ये सेमी कॉलन आखिर में लिख दिया ना, तो अब ये लिखने से आप देखें पहले हमने ये चीज़ लिखी थी तो उसने आंसर के बाद 7 बताया था, अभी इसने आंसर नहीं बताया, हालांकि आंसर में ये 7 ही आ रहा है, ये देखें थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ 3 की बजाय 2 कर देते हैं, तो आप देखें ये आंसर में 6 लिखा हुआ आ रहा है लेकिन यहाँ इसने बताया नहीं है, ये जो आखिर में सेमी कॉलन आता है ना ये एग्जीक्यूशन की आउटपुट को सप्रेस कर देता है, बताता नहीं है कि क्या किया है इसने, कर देता है लेकिन शो नहीं करता, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे शो नहीं करता, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आउटपुट को सप्रेस करने के लिए हम सेमी कॉलन इस्तेमाल करते हैं, तो ये सेमी कॉलन का इस्तेमाल एक तो सप्रेशन होता है, डिस्प्ले सप्रेस करता है, ये दूसरा काम क्या है, ये जब आप मैट्रिक्स बना रहे हो ना तो ये नेक्स्ट रो को डिफाइन करता है, मिसाल के तौर पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखूं, मैं लिखूं कि मेरे पास एक सी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें 1 को सेमी कॉलन 2 सेमी कॉलन 3 सेमी कॉलन 4 ऐसे लिखूंगा तो क्या होगा, आप पता है आपको सेमी कॉलन जो है ना वो रो टर्मिनेटर है, तो अब उसने एक भी मेंबर बनाया सी का, 2 भी बनाया 3 भी 4 भी, लेकिन हर दफा नई रो में चला गया है, इस तरह से उसने 4 रोज बनाई है और एक कॉलम बनाया है, अगर हम इसको ऐसे लिखते ना फिर क्या होता, अब हमने सेमी कॉलन नहीं लिखा कॉलन लिखा है, रो कॉलम बनता, अब रो वेक्टर बनता, ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स बनता जिसकी एक ही रो होती, यहाँ ऐसा मैट्रिक्स बना जिसका एक ही कॉलम है, तो ये वेक्टर मैट्रिक्स बाय कॉलम है, ये वेक्टर मैट्रिक्स बाय रो है, दोनों वेक्टर मैट्रिक्स हैं, तो वेक्टर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी एक ही रो या एक ही कॉलम होता है, तो इसकी यहाँ पर एक कॉलम है सिर्फ, इसकी एक ही रो है, तो कॉमा सेमी कॉलन लगाने से हर दफा नई रो बनती है और कॉमा लगाने से हर दफा नया कॉलम बनता है, ठीक है, तो कॉलम टर्मिनेटर जो है ना वो रो कॉलन है कॉमा है, और सेमी कॉलन जो है ना वो रो टर्मिनेटर है,
अच्छा जी, आगे इसी तरह से आप और भी देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल परसेंट जो है ना साइन, ये कमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, कमेंटिंग और फॉर्मेटिंग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है ये, जब एडिटर आपको चलाएंगे तब वहां पता चलेगा आपको। तो ये जो है ना आपके पास कोट साइन होता है ना, ये कोट साइन गलत लिखा हुआ है, कोट साइन ऐसा नहीं होता, कोट साइन सिंगल कोट, ये ट्रांसपोज ऑपरेटर होता है। ट्रांसपोज ऑपरेटर क्या होता है कि जो मैट्रिक्स इसको उल्टा कर देता है, इसके दाएं को बाएं, बाएं को दाएं कर देता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर मैं लिखूँ ना इसको ट्रांसपोज सिंगल कोट को मैं सी लिखूंगा ना, सॉरी सिंगल कोट यहाँ से सिंगल कोट सी लिखूंगा ना, ये देखिए क्या लिखा मैंने, सिंगल कोट सी, क्या लिखा बेटा, सिंगल कोट सी, सिंगल कोट सी, ये क्या करेगा, ये सी मैट्रिसेस को ट्रांसपोज कर देगा, उलट कर देगा। नहीं, सिंगल कोट उसने नहीं लिया, हमारे पास सी मैट्रिक्स नहीं है क्या, सी के बाद तो नहीं आना ट्रांसपोज, नहीं नहीं सी से पहले ही आता है। अच्छा ये कह रहा है ये वाला इस्तेमाल करेंगे हम लोग सी, नहीं ट्रांसपोज यही था मेरे पास, दोबारा एक दफा देखते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है, ये ऑक्टेव में मैंने पूछना है, सुनो मैटलैब में, उसके बाद आना है। सही कह रहे थे डॉक्टर साहब आप, तो सी ऐसे आना सिंगल कोट, ठीक है। तो हमारे सी आमतौर पर सी जो है ना वो हमारी रो मैट्रिक्स है, ठीक है, एक एक रो है इसके अंदर, लेकिन जब इसे ट्रांसपोज करते हैं हम लोग तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे लिखें सी इसका ट्रांसपोज लिखें हम लोग, तो फिर क्या होगा, अभी क्या होगा, ट्रांसपोज से मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा, ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज हो जाएगा, वो सी के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये ट्रांसपोज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों ने जाना है यहाँ पर, ठीक है, ओके जी। तो इसी तरह से मतलब ये ना और भी इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल इसने बताया वो आंसर एक डिफॉल्ट वेरिएबल है जिसमें जो टेम्परेरी तौर पर वैल्यू स्टोर करता है। EPS जो है ना ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जो कि मेजरमेंट जिसकी बेस पे की जा सकती है। अगर आपने देखना हो ना कि कितना अच्छी कंप्यूटेशन करेगा आपका कंप्यूटर, तो EPS जो है ना इसकी स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस होती है। EPS लिखें आप, तो EPS अभी ये जो मेरा कंप्यूटर है ना, ये 10 की ताकत मनफी 16 2.2 × 10⁻¹⁶ भी इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो ये जिसकी बेस पर यह कंप्यूटेशन कर सकता है। तो EPS स्टैंड फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि आपका प्रोसेसर या कंप्यूटर जो है ना जो हैंडल कर सकता है मेमोरी में। तो कितनी एफिशिएंट, कितनी एक्यूरेट मेजरमेंट करेगा, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट आपकी इसकी इतनी होगी हमारे कंप्यूटर की। तो आमतौर पर ये रेजोल्यूशन जानने के लिए होता है। तो आपको नज़र आ रही है मैटलैब की फाइल नज़र आ रही है या ये PDF की फाइल नज़र आ रही है? हम लोग वापस आ रहते हैं PDF पे, ठीक है। तो EPS इसलिए होता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये I और J जो होते हैं ना, ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, INF इन्फिनिटी नंबर है। अच्छा ये थोड़े ऐसे नाम लिखे हैं मुख्तलिफ वेरिएबल्स को दिए हैं इन्होंने, जो वेरिएबल बताने की बजाय ये वाला INF का मतलब होता है इन्फिनिटी, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का कोई नंबर नहीं होता, तो हमने सिंबल रखा हुआ है मैथ में, उसको इन्फिनिटी कहते हैं। और कोई अगर ऐसा नंबर हो जिसको हम लोग लिख नहीं सकते, तो हम लोग उसे कहते हैं नैन, अनडिफाइंड न्यूमेरिकल रिजल्ट। ऐसा नंबर जिसको हम लोग मैथ में लिख नहीं सकते, अननोन नंबर है, तो उसे हम नैन लिखते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी में और नैन में फ़र्क होता है। इन्फिनिटी का मतलब है गिनती का आखिरी नंबर, तो जो मुमकिन नहीं लिखना, और नैन वो है जिसको लिखा ही नहीं जा सकता, ठीक है।
तो जो नंबर नहीं है कोई ऐसी चीज है जो कि नंबर के अलावा आ गई है, नॉट पॉसिबल, उसको लिखना नंबरों में लिखना मुमकिन नहीं है। तो पाई जो है ना वो हमारे पास जैसे पता है पाई की वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा अगर आप लोग सेव लिखे ना, सेव सेव लिखने से क्या, सेव के आगे नाम लिख दें तो आपके नाम की एक फाइल बन जाएगी वो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में, और जितने वेरिएबल आपके करंटली आपके वर्क स्पेस में है ना वो सारे महफूज हो जाएंगे। करके दिखाऊं आपको ये? ठीक है, अब ऑक्टेव में आए हम लोग। मैं यहाँ लिखता हूँ भाई सेव, आज का डेट है, आज है जनाब 17/3/21, ये मैंने नंबर लिख दिया है, ठीक है। तो सेव करता हूँ तो ये देखें मेरे यहाँ वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ये कि ये फाइल बन रही है, बन गई 17/3/21 की। इसे ओपन करूँ और खोल के दिखाऊँ क्या है इसके अंदर? तो मैं इसे कहता हूँ कि तमाम फाइलें खोल के दिखाऊँ। 17/3/21 वाली फाइल मैंने ओपन ओपन किया है, इसे सेव नहीं था करना भाई, इसे खोलना था ओपन, ये सेव कर ओपन। तो ओपन करो ये वाली फाइल, तो ये देखें ये 17/3/21 फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है जी ऑक्टेव ने ये फाइल बनाई है, फलाने फलाने यूज़र ने बनाई है, कंप्यूटर का नाम ये था और ये वैल्यूज़ आई हुई थी, ये बी में क्या था, सी में क्या था, सारी वैल्यूज़ यहाँ पर उसने इसके अंदर लिख दी हैं, जो मेरे ये मेमोरी में था ना सब कुछ उसने यहाँ पर लिख दी है। तो बेसिकली सेव क्या करता है, वर्क स्पेस के अंदर जो कुछ लिखा हुआ होता है ना वो वापस लेके आता है। अगर सपोज करें कि आपने नया दोबारा से खोला है ऑक्टेव को या मैटलैब को और इस तरह से खुलता है, कमांड पे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी में सब कुछ वही वापस आ रहे जो पहले आपने खोला था, तो आप कहते हैं जनाब लोड, तो वही नाम लिखते हैं 17/3/21 मैंने फाइल का नाम लिखा था। वो अगर आपके ये वाली फाइल अगर आपके यहाँ पर डायरेक्टरी में होगी तो आप देखें सब कुछ आपके वेरिएबल्स वर्क स्पेस में दोबारा से लोड हो गए हैं। तो ये सेव और लोड का काम जो है ना वो वर्क स्पेस को सेव और वर्क स्पेस को लोड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आरजी तौर पर आप अपना अपनी फाइलें ना यहाँ पर महफूज कर सकते हैं। तो सर जैसे मैटलैब में ये .m फाइल होती है तो इसकी भी कोई एक्सटेंशन होगी इस फाइल की? हाँ, डॉट, इसकी भी .m फाइलें ही होती हैं, और इसके अंदर और मैटलैब के अंदर काफी ज्यादा मुमासलत है, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा नहीं है लेकिन काफी ज्यादा कंपेटिबिलिटी है कोड की, ठीक है। जहाँ डिफरेंस आएगा फिर उसकी बात हम करेंगे। इसी तरह से आगे जाएं तो ये सेव का बता दिया आपको, मैटलैब में वेरिएबल का मैंने पहले बता दिया आपको कि ये जो इक्वल होता है ना, आपको ये नज़र आ रही है मैटलैब की पीडीएफ फाइल नज़र आ रही है ना इस वक्त? यस सर। तो ये एक्स इज इक्वल टू 3 में जो इक्वल है ना ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके राइट साइड पर जो कुछ होगा ना वो एक्स को असाइन कर देगा, एक्स एक मेमोरी में जगह एलोकेट करेगा मैटलैब और उसको ये चीज असाइन कर देगा, ठीक है। इसी तरह से आगे आप बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके जो कि ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, डिफाइंड एसक्यूआरटी स्क्वायर रूट मालूम करता है, ठीक है। एसक्यूआरटी की कमांड, अभी ये सिंटैक्स कैसे होता है, हर एक कमांड का ना एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स क्या होता है बेटा कि आप कॉल करते हैं एक फंक्शन को बाय इट्स नेम, SQRT एक फंक्शन है, तो ये क्या करता है, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेता है या डेसिमल वैल्यू लेता है, आप ब्रैकेट में कोई वैल्यूज इसको असाइन कर देंगे, तो SQRT बेसिकली क्या होगा, एक फंक्शन है, ये एक .m फाइल होगी, SQRT.m फाइल आपके कंप्यूटर में कहीं ना कहीं पड़ी होगी। वो क्या करता है बेसिकली ये एक वेरिएबल लेता है, एक डिजिटल डिजिट लेता है, नंबर लेता है जो कि मतलब आपका डेसिमल नंबर भी हो सकता है और होल नंबर भी हो सकता है, उसको लेके उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेगा और उसका जवाब दे देगा। SQRT एक जवाब लेके आ रहा है जिसको हम एक्स में महफूज कर रहे हैं। अब मैं ये यहाँ पर क्या हो रहा है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पर आपको, मैं वापस ऑक्टेव में आ रहा हूँ। अब देखिए मैं खाली लिखता हूँ SQRT मैं लिखता हूँ 16, ठीक है। SQRT 16 लिखा तो उसने जवाब बता दिया इसका कि 4 है। अब हुआ क्या है, SQRT बेसिकली एक .m फाइल है, .m फाइल वो ये खास तरह की m फाइल है जिसे फंक्शन फाइल कहते हैं। फंक्शन फाइल क्या होती है, फंक्शन फाइल ये होती है जो किसी तरह का काम आपको करके देती है। फंक्शन बहुत सारी तरह के फंक्शन होते हैं, मसलन ये जो ऊपर हमने लोड लिखा था ना, लोड भी एक फंक्शन है। तो बहुत सारे जो काम हम लोग करते हैं ना ऑक्टेव में या मैटलैब में,
वो डॉट एम फाइलें बनी हुई हैं जो कि फंक्शंस हैं, वो कोई ना कोई काम कर सकते हैं। मसलन मैंने जब सी एल सी लिखा था ना, तो सी एल सी भी एक ऐसी फंक्शन फाइल है जो खास काम कर सकती है, स्क्रीन को क्लियर कर सकती है। एस क्यू आर टी भी एक डॉट एम फाइल है जो कि फंक्शन फाइल है जो कि खास काम कर सकती है, ठीक है। मसलन हम लोगों ने अपने पास से भी बना सकते हैं ये वाली फाइल ना, मैं आपको बना के दिखा दूँ आपको एक दफ़ा, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। मसलन मैं यहाँ से एक नई फाइल बनाता हूँ और उसका नाम लिखता हूँ मैं एस क्यू, ठीक है, और मैं लिखता हूँ इसके ये कि ये एक फंक्शन फाइल होगी हमारी, और फंक्शन फाइल क्या करेगी, ये हमें एक आउटपुट देगी, ये एक्स आउटपुट देगी हमें, या मेरा ख्याल है कि मैं अभी बताता नहीं आपको, ये थोड़ा सा आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे, अभी इसको इनिशियल रखते हैं। इसी तरह की ना एक एस क्यू आर टी डॉट एम फाइल है जो क्या करती है, एक नंबर लेती है, नंबर लेकर उन दोनों को मल्टीप्लाई करती है और आंसर दे देती है। तो ये चार यहाँ डिवाइड उसका स्क्वायर रूट ले मालूम करती है और उसका जवाब दे देती है। तो 16 का इसने चार स्क्वायर रूट निकाला और आंसर दे दिया। जब हम इसको एक्स को असाइन करते हैं ना, एक्स इज इक्वल टू एस क्यू आर टी लिखते हैं 16, तो अब क्या हो रहा है कि ना सिर्फ स्क्वायर रूट वाली कमांड चल रही है बल्कि जो इसका आंसर आएगा वो एक्स को असाइन हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ डबल एक्स कर देता हूँ, एक्स एक्स कर देता हूँ, तो ये एक्स एक्स को देखें यहाँ पर चार असाइन हो गया ये हमारे पास। तो इसमें दो काम हुए, एक ये एक कंप्यूटेशन हुई है, 16 का स्क्वायर रूट कंप्यूट हुआ है, और दूसरा वो असाइनमेंट हुई है कि जो आंसर आया वो एक्स एक्स को असाइन हो गया। तो ये असाइनमेंट भी हुआ था। तो इसे जो भी कोई वेरिएबल आपने डिफाइन करना होता है बेटा, एक्स लेट्स सपोज अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो उसको आप वैल्यू देते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं, तो वो वेरिएबल भी आ जाता है, उसके अंदर वैल्यू भी आ जाती है, उसकी टाइप भी खुद ही डेफिनेशन हो जाती है। मिसाल के तौर पर इसका मतलब ये है कि ये देखें जो हमने ये भी एक्स बनाया था ना, ये जो डबल एक्स बनाया था, जो ये किस तरह का वेरिएबल है, ये एक डबल वेरिएबल है। डबल वेरिएबल का मतलब बेटा ये है कि ये ऐसी वैल्यू स्टोर कर सकता है जिसका डेसिमल पॉइंट हो। असल में इसको अगर मैं पूछूं ना कि एक्स एक्स क्या चीज़ है, अगर मैं इसको लिखूं हु इज एक्स एक्स, तो ये डबल तो लिख रहा है, अगर मैं खाली लिखूं हु एक्स एक्स लिखूं तो सिंपल बता रहा है। अगर मैं इसके अंदर जाऊँ इसको डबल, अच्छा ये यहाँ पर चार ही शो कर रहा है लेकिन इसको डबल इसने महफूज किया हुआ है। डबल महफूज करने का मतलब ये है, अच्छा इसको मैं अगर मैं फॉर्मेट अगर मैं करता हूँ लॉन्ग, और मैं अब पूछता हूँ एक्स एक्स क्या है, फिर भी उसने वही बताया फॉर्मेट ई करता हूँ, अब ये देखें ये इसने बताया, आप सही बताया, पहले इसका फॉर्मेट हमने शॉर्ट किया हुआ था, यानी कि हमें पूरी वैल्यू ना शो करो बल्कि थोड़ा सा बताओ। तो फॉर्मेट का मतलब होता है हम अपने कमांड को कह रहे हैं कि भाई तुम नंबर शो करो और नंबर उनके प्रॉपर पूरे फॉर्मेट में शो करो। तो इसने बताया कि जो ये जो एक्स एक्स है ना, इसकी असल वैल्यू है 4.000000e^0, ये असल में इस तरह इसने महफूज किया हुआ है, इसलिए इसने इसको डबल कहा है, ठीक है। तो इसने इसको फ्लोटिंग पॉइंट के साथ सेव किया हुआ है, डबल वैल्यू, इसलिए इसने इसको ऐसे लिखा है। तो जब ये पहले इसलिए नहीं लिख रहा था कि पहले हमने इसको फॉर्मेट शॉर्ट की कमांड दी हुई थी, हमने कहा था इसको फॉर्मेट शॉर्ट, ठीक है। अब अगर मैं पूछूंगा तो सिर्फ उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना, जो पॉइंट से पहली वाली वैल्यू, सिर्फ वही बता रहा है, पॉइंट के बाद 0 0 है, इसलिए इसको शो नहीं कर रहा। तो यहाँ ये क्लास जो है यहाँ पे क्लास सिंगल डबल और उसके बाद थ्री टाइम्स इस तरह भी होती है, या सिंगल और डबल ही क्लास होती है बस? एक क्लास असल में ना, ये क्लास का मतलब है यहाँ पे होना चाहिए टाइप, असल में एक्सेल वो अगर आप मैटलैब में देखें तो ये टाइप बताता है कि भी आपका जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या है। तो क्लास भी टाइप का ही को रिप्रेजेंट करता है। तो ये टाइप कौन कौन सी होती है, अभी आगे जिक्र आ रहा है, मैं बताता हूँ टाइप कौन कौन सी होती है।
तो इस तरह से आ गया ये आगे, मतलब इस तरह की बहुत सारी कमांड है, स्क्वायर रूट की कमांड है, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप डिजिट्स को नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप एक ही लाइन में बहुत सारे नंबर असाइन कर सकते हैं। अगर एक ही लाइन में बहुत सारे नंबर आपने असाइन करने हैं, आपने ए को दो के इक्वल रखा और उसके बाद आपने सेमी कोलन डाल दिया, इससे क्या होगा कि ये ए इज इक्वल टू जो सप्रेस हो जाएगा, यानी इसकी आउटपुट नजर नहीं आएगी। बी इज इक्वल टू सेवन करेंगे तो आप उसी लाइन में बी को भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन बी की आउटपुट सप्रेस हो जाएगी। सी के बाद आपने नहीं लिखा तो ये सी इज इक्वल टू 14 नजर आएगा, इसलिए कि आपने ए जरा बी लिखा है और ए जो है वो दो है और बी जो है वो सात है, तो सी की वैल्यू नजर आ गई। सी के बाद भी आपने ये सेमी कोलन डाला होता तो एक ही लाइन में सारे डिफाइन भी हो जाते हैं और यहाँ आउटपुट में कोई चीज नजर ना आती है आपको। ये जो हु की कमांड है ना, ये मालूम करने के लिए होता है कि मेरी मेमोरी में कौन कौन से वेरिएबल इस वक्त अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपके ये अगर आपने ये दो ये ऊपर वाली कमांड रन की है और हु उसके बाद लिखा है तो आपको ए भी नजर आएगा, आंसर भी नजर आएगा, बी भी नजर आएगा और सी भी नजर आएगा, ठीक है। अगर आपने जरा डिटेल लेनी हो तो हु इज लिखते हैं, डब्ल्यू एच ओ एस यू हु इज, इससे आपके आपके पास इस तरह का एक टेबल बन जाता है और तमाम वेरिएबल्स जो है ना वो नजर आ जाते हैं कि कौन सी चीज क्या इस वक्त अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप कह रहे थे ना, तो ये आंसर में टाइप ऑफ डाटा जो अवेलेबल है वो सेल टाइप है। ये सेल टाइप क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। क्लियर की कमांड जो होती है ना, क्लियर वो मेमोरी में से किसी वेरिएबल को रिमूव करती है। अगर खाली क्लियर लिख देंगे तो वर्क स्पेस में से हर सारी चीजें माइनस हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। अगर किसी वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो सिर्फ वो रिमूव होगा। क्लियर एक्स लिखेंगे तो अगर एक्स वेरिएबल होगा जो कि मेमोरी में होगा तो उसकी वैल्यू वहां से खत्म हो जाएगी और एक्स का कोई पहचान बाकी नहीं रहेगी। अगर खाली क्लियर लिखेंगे तो तमाम वेरिएबल जो है ना वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर इन्होंने ना असाइनमेंट सिखाई है यहाँ पर आगे। मैंने एक कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ इनिशियल वेलोसिटी। तो आमतौर पर हम लोग जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो केस सेंसिटिव होते हैं, तो मतलब ये कि अगर हम लोग आई बड़ा लिख देंगे ना तो हर दफ़ा जब आई बड़ा लिखेंगे तो तभी उसको समझेगा, छोटे वाले आई से का मतलब डिफरेंट होगा, बड़े वाले आई का डिफरेंट मतलब होगा। तो जो नाम लिखा है एग्जैक्टली वही इस्तेमाल करना पड़ेगा इसको बुलाने के लिए। तो अब ये इनिशियल वेलोसिटी को जीरो कह रहा है और एक्सेलरेशन को 9.8 कह रहा है और टाइम को 20 कह रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी ये हमारा जो जो हमारी सिंपल मोशन की इक्वेशन होती है वो इसने लिखी हुई है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी। तो वो उसने फाइनल वेलोसिटी इसने कैलकुलेट की है, तो फाइनल वेलोसिटी का इसने फार्मूला दे दिया है और बाकी वेरिएबल जो डाल दिए हैं, तो फाइनल वेलोसिटी 196 इसकी जो है ना वो मीटर पर सेकंड आ गई है। तो ये इसने कैसे किया है कि इसने सिखाई असाइनमेंट सिखाई है और फिर फार्मूला या आप एक्सप्रेशन बनाना सिखाया है और एक्सप्रेशन से वैल्यू जो है ना फाइंड आउट करना सिखाया है। तो आप भी ये करके देखिएगा, सारे लोग जो है ना ये जो एग्जाम्पल है इसके अपने पास एग्जीक्यूट करके देखेंगे कैसे होती है। मसलन अगर मैं सिर्फ यही कॉपी करके पेस्ट करूँगा ना तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको जाके वहाँ पेस्ट करता हूँ। तो ये देखें इसने फाइनल वेलोसिटी 196 बता दी है, बल्कि यहाँ फाइनल वेलोसिटी इसने महफूज भी कर ली 196। अगर मैं दोबारा भी पूछता हूँ ना इसको फाइनल वेलोसिटी क्या है तो ये 196 बता रहा है, ठीक है। हाँ, इसने लाइन बाय लाइन करने की बजाय एक ही दफ़ा सारी चीज़ें कर ली हैं, कोड की तरह रन कर दिए। तो ये जो मैं पहले बता रहा था, फॉर्मेट लॉन्ग का मतलब होता है कि आपका जो आंसर आए ना, न्यूमेरिक वैल्यूज आए, वो उनके पूरे डिजिट्स नज़र आए, उनके आखिर तक तमाम जो अशारिये के बाद जितने भी डेसिमल प्लेसेस स्टोर की हुई हैं वेरिएबल में वो सारी नजर आए। फॉर्मेट लॉन्ग का मतलब ये होता है। फॉर्मेट लॉन्ग क्या? हाँ जी, ये सर इसमें फॉर्मेट लॉन्ग में ई में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करने से ना वो ई की ताकत, यानी कि इजरफ 10 की ताकत क्या है आगे। हम लोग आमतौर पर इसको एक्सपोनेंट कहते हैं वैल्यू। हम लोग वेरिएबल जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके बता देता हूँ क्या मतलब है इसका। मिसाल के तौर पर मैंने कहा
एक्स मेरा मेरा एक वाई वैल्यू है वो पाई के बराबर है, ठीक है। क्या किया, कहा मैंने वाई एक मेरी वैल्यू है वो पाई के बराबर है। अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे वाई बताओ, वाई क्या है, तो वाई बताने से इसने इसकी सिर्फ पहली चार वैल्यूज बताई हैं पाई की, हालांकि बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। तो मैं कहता हूँ भाई तुम मुझे फॉर्मेट लॉन्ग के तहत वाई की वैल्यू बताओ। तो अब देखो इसने पहले इसने 5 और 9 को राउंड ऑफ कर दिया था, तो ये 3.1416 शो किया था। अब इसके पास जितनी मेमोरी में वैल्यूज है ना वो सारी शो की हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि y is equal to 100y कर देता हूँ, ठीक है। y में 100 टाइम्स इसको इजाफा कर दिया है। अब ये बन गया 314 समथिंग बन गया बेटा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि लॉन्ग, मैं कहता हूँ कि फॉर्मेट लॉन्ग e, और अब मैं y पूछता हूँ, तो देखो अब इसने क्या किया है। हालांकि y जो है वो 3.14 नहीं है, अब वो 314 पॉइंट समथिंग है। तो उसने ये जो पॉइंट है ना वो 3 के फौरन बाद शो किया है, लेकिन इसको 10, इस पूरे एक्सप्रेशन को 10 की ताकत 2 से ज़रब दे दी। ये जो आखिर में 2 लिखा हुआ है ना बेटा, मारिया हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज बीच में से, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। तो ये 10 की ताकत 2 का मतलब है इसको, इसने पूरे को 100 से ज़रब दे दी है। ये जो हमने 100 से ज़रब दी थी ना ये वाली, ये 10^2 शो किया है इसने। तो इसे इसे इस तरह से शो करने को, जब हम लोग सिर्फ एक डेसिमल प्लेस के बाद शो करें, इसे कहते हैं शोइंग इंजीनियरिंग फॉर्मेट, नंबर का इंजीनियरिंग फॉर्मेट है ये। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इंजीनियरिंग फॉर्मेट बोलते हैं इसको, ठीक है। एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट शो करते हैं हम लोग इसको। तो 314 लिखने की बजाय इसने क्या किया, 3.14 शो किया है, लेकिन इसने 2 डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में मूव किया है, इसलिए इसने 10 की ताकत 2.7 लगा दी है। पहले नहीं लगाया था इसने, यहाँ पर नहीं लगाया था इसने, ठीक है जी सर, ठीक है। तो ई का मतलब ये है एक्सपोनेंट में शो कर रही है। तो अब वापस उधर चलते हैं हम लोग, हमारा काम जो लंबा हो गया है। अब मैंने, मेरा ख्याल है कि मेरे पास और मजीद टाइम, क्या टाइम हुआ भला? टाइम भी हो गया यार, 5:10-7-8 बस मेरे पास 5 बजे तक टाइम था, मैंने फिर जाना था। तो अब ये ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम रख लेंगे। अब ये ना आगे आप लोग इसी तरह से ना इसको टर्न बाय टर्न चल सकते हैं। अभी आगे वेक्टर मैट्रिक्स के बारे में बताया हुआ है कि अगर एक ही रो हो तो उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं, रो वेक्टर कहते हैं। तो अगर एक ही कॉलम हो तो उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको, इन दोनों को वेक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो या एक ही कॉलम हो उसे वेक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। तो रो वेक्टर वो होता है जिसमें एक ही रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें एक ही कॉलम हो, ठीक है। तो बनाते कैसे हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, अगर खाली स्पेस देंगे तो वो कॉलम सेपरेशन होगी, अगर कॉमा लगाएंगे तो वो भी कॉलम सेपरेशन होगी, लेकिन अगर सेमी कोलन लगाएंगे तो वो रो सेपरेशन होगी, ठीक है। तो सेमी कोलन का मतलब है नेक्स्ट रो। तो अब ये रो मैट्रिक्स बनाना और कॉलम मैट्रिक्स बनाना ये खुद सीखें आप लोग, एक रो मैट्रिक्स, रो वेक्टर और एक कॉलम वेक्टर बना के देखें अपने पास, ठीक है। फिर मैट्रिक्स बना के देखें कि मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, ये 1 से लेकर 9 तक की मैट्रिक्स बना के देखें, ठीक है। इसके अलावा CLC का मतलब क्या होता है, क्लियर स्क्रीन। क्लियर का मतलब क्या होता है, मेमोरी में से वेरिएबल क्लियर करना। एग्जिट का मतलब है वेरिएबल से एग्जिट करना, या अगर आप ये मैटलैब पे लिखें, ऑक्टेव पे लिखेंगे ना तो वो ऑक्टेव बंद हो जाएगा, वैसे क्विट करने से भी बंद हो जाता है, ठीक है। ग्लोबल का मतलब है ऐसा वेरिएबल है जिसको हर दफ़ा आप, हर जगह आप डिफाइन करना चाह रहे हैं। हेल्प लेने का तरीका कार के है, आप हेल्प लिखते हैं तो आपको ऑक्टेव या मैटलैब हेल्प देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हर किसी के लिए। आप लिखें हेल्प, हेल्प हेल्प के आगे आप नाम लिख दें उस चीज़ का, मसलन CLC क्या होता है, तो हेल्प लिख के CLC लिखेंगे तो उसकी फौरी तौर पर आपकी टेक्स्ट जो हेल्प है, टेक्स्ट जो हेल्प है फौरन दे देगा। CLC क्या करता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसका सिंटैक्स और इसके राउंड अबाउट कौन कौन से और वेरिएबल हो सकते हैं वो भी बता देगा। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ हेल्प
पाई। तो पाई क्या चीज है, पाई के बारे में इसने बता दिया, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, इसका सेंटेक्स की कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो सारी चीजें बता देगा। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि मेरी प्रॉपर हेल्प की फॉर्मेट भी मुझे शो करे, तो मैं हेल्प लिखने की बजाय लिखता हूँ डॉक, डॉक सी एल सी, डॉक सी एल सी लिखने से ये देखिए डॉक्यूमेंट बना देगा, ये डॉक्यूमेंट शो कर देगा। अगर आपके पास मैटलैब है ना, तो वो पूरी हेल्प फाइल खोल देगा इसकी ना सेपरेट से एक विंडो में, इसी हम लोग इसको सेपरेट भी वैसे कर सकते हैं। इसको सेपरेट करने का एक वैसे और भी तरीका होता है, अब वो ये देखें ऐसे सेपरेट भी हो सकता है, ये पूरी एक हेल्प फाइल खोल देगा। सी एल सी हमने लिखा था, तो इस सी एल सी की सारी इसने बारे में खोल दिया। वैसे भी आप इसमें और भी सर्च कर सकते हैं, जैसे आप पहले सर्च कर रहे थे तो पाई क्या होता है, और इस तरह से पूरी हेल्प अवेलेबल होती है। आप किसी भी फंक्शन के बारे में हेल्प देख सकते हैं, उसका सेंटेक्स क्या है, वो क्या काम करता है, उसके वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, उसकी अलाइड कमांड्स कौन कौन सी हैं, तो आप इस तरह से हेल्प ले सकते हैं। तो वापस इसको मैंने यहाँ प्लेस कर देता हूँ, तो ये हेल्प डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये आती है कौन सी कमांड से आती है, आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही स्क्रीन मेरी? यस सर, ऑक्टेव नजर आ रहा है आपको ना? जी सर। ठीक है, तो इसी तरह से आप दो मैंने बताई आपको कमांड, एक डॉक बताई है और एक बताई है हेल्प, तो दोनों बहुत ज्यादा यूजफुल हैं और मैं इनको अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। एक और मैं चीज बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप यहाँ से ना मिले तो मैं जो अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, तो स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है, दोबारा खोलूं? जी सर। तो स्क्रीन मैं खोलना चाहता हूँ यहाँ से पीडीएफ, तो ये देखिए मैं इसकी ना एक वेबसाइट है, उसे बोलते हैं फोर्ज, octave.forge, ठीक है, ये आ गया octave forge, ठीक है। octave forge ना डॉक्यूमेंट ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन है, ये ना octave का एक ऑनलाइन अवेलेबल हेल्प वेबसाइट है जिसे octave forge बोलते हैं। इस पे इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, कौन कौन से इसमें पैकेजेस होते हैं, और मतलब पैकेजेस का मतलब है लाइब्रेरीज, आर्डिनो एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, इसे कंट्रोल करना हो आपने प्रोग्रामिंग से तो आप मैटलैब ऑक्टेव को इस्तेमाल करते हुए कैसे कर सकते हैं। ऑडियो फाइल्स मिडी, यानी कि ये जो पियानो होती हैं, पियानो डिवाइसेस होती हैं कंट्रोल करने के लिए, डाटा स्मूथिंग करनी है आपने, मेडिकल फाइल्स की आपने इमेज प्रोसेसिंग करनी है, डाईकॉम इसका पैकेज है। इसके अलावा बहुत सारे इसमें पैकेजेस हैं, ये बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं मुख्तलिफ काम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बेसिकली हर लाइब्रेरी में मुख्तलिफ तरह के काम करने के लिए फंक्शंस लिखे हुए हैं जो आपके काम उसको आसान बनाते हैं। इसमें एक होगा इमेज, कंट्रोल एफ इमेज, ये इमेज की लाइब्रेरी है, ये देखिए इमेज का पैकेज है। तो ये बाय डिफॉल्ट हम लोग हमारे होगा, नहीं तो हम इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके ये फंक्शन रेफरेंस होता है, ये फंक्शन रेफरेंस में ना इमेज के अंदर जितनी तरह की फंक्शंस अवेलेबल है ना, उन सारों की लिस्ट है। मसलन ये आई एम हिस्ट क्या करता है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना तो ये बता देगा। ऑलमोस्ट ये वही चीज़ है जो आपको वहां डॉक्यूमेंटेशन से मिलती है, लेकिन अगर आपको नेट से सर्च करना हो तो नेट से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये इमेज पैकेज का हिस्सा है, इसके इक्विवेलेंट ये वाली कमांड्स हैं, इसके सिंटैक्स ये हैं, ये किस किस तरह का काम करता है पूरी डिटेल इसकी यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप किसी भी कमांड के बारे में जान सकते हैं कि वो फंक्शन क्या है, किस तरह की वैल्यू इनपुट लेता है, उसकी आउटपुट क्या होती है, वो किस तरह से काम करता है, और डिटेल उसकी काम की यहाँ पर पूरी लिखी होगी। उसके इक्विवेलेंट और जो कमांड्स हो सकती हैं उससे मिलती जुलती वो कौन सी हैं, ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, कौन सा पैकेज लोड करेंगे तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरी लाइब्रेरी है, तो आप इस लाइब्रेरी को देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी हो आपने। फॉर एग्जांपल अगर आप 3D मैश बनाना चाहते हैं ऑब्जेक्ट्स के, तो MSH इसकी एक लाइब्रेरी है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे इसमें डिटेल्स हैं, तो काफ़ी ये ओपन सोर्स है ये, और ये फ्री में अवेलेबल है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है इसको इस्तेमाल करने की, लेकिन इसकी लिमिटेशन भी आती है उसके लिहाज से। तो अभी आप ये जो मैंने फाइल आपको शेयर की है ना, ये मैटलैब गाइड 2, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जब तक ये पूरी एक दफ़ा प्रैक्टिस ना कर ली जाए, मैटलैब नहीं आता इंसान को, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है।
तो इसको जो भी बंदा सीखना चाहे वो लाजमी इसको एक दफा गो थ्रू हो इसकी एक एक कमांड से, कम अज कम एक एक दफा जरूर उसको चला के देखे, तो फिर जो है ना आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैटलैब या ऑक्टेव आपका जो है ना वो फ्रेंडली हो जाएगा, आपको पता होगा कौन सा काम मैंने कैसे करना है। तो काइंडली ये जो है ना, और मैं फर्दर जाऊंगा तो काफी ज़रा टाइम लग जाएगा, आप लोग कोशिश करें इसके कम अज कम ये जो इंट्रोडक्शन वाला है ना पोर्शन मैट्रिसेस वाला, ये आप कवर कर लें। एम फाइल, चलो नेक्स्ट टाइम एम फाइल से स्टार्ट करेंगे, इसके पीछे पीछे वाला ना आप लोग तो कोशिश कीजिएगा आप प्लॉटिंग तक कर लें। आप नहीं होएगा तो हम प्लॉटिंग मैं आपको इसकी रिहर्सल करके भी दिखा दूंगा, आप कोशिश कीजिएगा प्लॉटिंग तक आप कर लें, तो अगर आप कर लेंगे ना तो फायदा ये होगा कि हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे, नहीं तो मैं प्लॉटिंग आपको सिखा दूंगा। ठीक है सर प्लॉटिंग तक आप कर लीजिएगा, तो जो चीजें मिस होंगी या समझ नहीं आएगी तो उसकी हम बात कर लेंगे फिर। ठीक है जनाब, फिर आज खत्म करते हैं आज की बात। कोई सवाल है आपको? जी सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं सर, काम करके अगली दफा क्वेश्चन करेंगे। चलो ठीक है सर। मैटलैब मेरे पास एक पड़ा था सॉफ्टवेयर, वो तो इंस्टॉल नहीं हुआ। ऑक्टेव का फिर आप मुझे ना जो है जो आपने किया हुआ ऑक्टेव यहाँ से मिलेगा। ये देखें मैं जाता हूँ ऑक्टेव की साइट पे जाता हूँ, ये फ्री में अवेलेबल है, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पोर्टेबल वर्जन भी होता है और आप ऐसा वर्जन भी कर सकते हैं जो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। फॉर एग्जांपल ये डाउनलोड में जाता हूँ मैं, तो ये देखें यहाँ मेरे पास ऑप्शन है जीनू लिनक्स है, मतलब लिनक्स में करना है मैंने, मैक ओएस में करना है, विंडोज में करना है, 64-bit है। ठीक है, अगर मैं zip फाइल कर लेता हूँ तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं install.exe वाला डाउनलोड करता हूँ तो मुझे इसका इंस्टॉलर मिल जाएगा। ठीक है सर, तो बड़ी आसानी से आप किसी भी कंप्यूटर में कर सकते हैं और चला सकते हैं इसको, आपने कोई पाबंदी नहीं है इसके ऊपर। ठीक है सर, ये मैं करता हूँ। ठीक है, चले जी, इसके साथ ही इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।